और सीधे आपको लिए चलेंगे रूस, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इस शांत और प्रकाशमय वातावरण में आपके साथ संवाद करना एक सुखद अनुभव है। सुबह का उजाला यहां से होकर दुनिया में फैलता है और पूरी दुनिया को ऊर्जावान बनाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का हमारा यह मंथन केवल फार ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के प्रयासों को नई ऊर्जा और नई गति देगा। इस महत्वपूर्ण अवसर को मुझे हिस्सा बनाने के लिए मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का आभारी हूं। राष्ट्रपति जी ने मुझे यह निमंत्रण भारत के आम चुनाव से पहले ही दे दिया था। 130 करोड़ भारतवासियों ने मुझ पर विश्वास जताया और आपके निमंत्रण भी उनका विश्वास और मोहर लग गई। फ्रेंड्स, दो साल पहले राष्ट्रपति पुतिन के ने मुझे सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में आमंत्रित किया था। यूरोप के फ्रंटियर से पैसिफिक के गेटवे तक मेरी भी एक प्रकार से ट्रांस साइबेरियन यात्रा हो गई है। व्लादिवोस्तोक यूरेशिया और पैसिफिक का संगम है, या आर्कटिक और नॉर्दर्न सी रूट के लिए अवसर खोलता है। रूस का करीबन 3/4 भूभाग एशिया है। फार ईस्ट इस महान देश की एशियन आइडेंटिटी को सुदृढ़ करता है। इस क्षेत्र का आकार भारत से करीब 2 गुना है। इसकी आबादी सिर्फ 6 मिलियन है, लेकिन यह रीजन खनिज, ऑयल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का धनी है। यहाँ के लोगों ने अपने अथक परिश्रम, साहस और इनोवेशन से नेचर की चुनौतियों पर विजय पाई है। यही नहीं, कला, विज्ञान, साहित्य, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री और एडवेंचर, मानव गतिविधि का ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें फार ईस्ट के लोगों ने, व्लादिवोस्तोक के बाशिंदों ने सफलता हासिल ना की हो। साथ ही उन्होंने रूस और उसके मित्रों के लिए भी अनेक अवसर बनाए हैं। फ्रोजन लैंड को फ्लावर बेड में बदलकर एक सुनहरे फ्यूचर का आधार तैयार किया है। कल राष्ट्रपति पुतिन के साथ मैंने स्ट्रीट ऑफ द फार ईस्ट एग्जीबिशन देखा। यहां की विविधता, लोगों की प्रतिभा और टेक्नोलॉजी के विकास ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। इनमें प्रगति और सहयोग की अपार संभावनाएं मैंने महसूस की है। फ्रेंड्स, भारत और फार ईस्ट का रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना है। भारत वो पहला देश है जिसने व्लादिवोस्तोक में अपना कॉन्सुलेट खोला। तब भी और उससे भी पहले भारत और रूस के बीच बहुत ही भरोसा था। सोवियत रूस के समय भी जब अन्य विदेशियों पर यहां आने पर पाबंदियां थी, व्लादिवोस्तोक
भारतीय नागरिकों के लिए खुला था। रक्षा और विकास के बहुत सा साजो सामान व्लादिवोस्तोक के जरिए भारत पहुंचता था और आज इस भागीदारी का पेड़ अपनी जड़ें गहरी कर रहा है। दोनों देशों के लोगों के लिए सुख समृद्धि का सहारा बन रहा है। भारत ने यहां एनर्जी सेक्टर और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे डायमंड में महत्वपूर्ण निवेश किया है। सखालिन के ऑयल फील्ड्स भारतीय निवेश सफलता का एक उत्तम उदाहरण है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पुतिन का फार ईस्ट के लिए लगाव और उनका विजन इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, भारत जैसे रूस के पार्टनर्स के लिए अभूतपूर्व अवसर लेकर के आया है। उन्होंने रशियन फार ईस्ट के विकास को नेशनल प्रायोरिटी फॉर द 21st सेंचुरी घोषित किया है। उनकी होलिस्टिक अप्रोच यहां जीवन के हर पहलू को, इकोनॉमी हो या एजुकेशन, हेल्थ हो या स्पोर्ट्स, कल्चर हो या कम्युनिकेशन, ट्रेड हो या ट्रेडिशन, हर एक को बेहतर बनाने का प्रेयक प्रयास है। एक और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोले हैं तो दूसरी ओर सामाजिक सेक्टर्स पर भी उतना ही ध्यान दिया है। मैं स्वयं उनके इस विजन से प्रभावित हुआ हूं और इसे शेयर भी करता हूं। भारत उनकी इस विजनरी जर्नी में कदम से कदम मिलाकर रूस के साथ चलना चाहता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि फार ईस्ट और व्लादिवोस्तोक के रैपिड, संतुलित और समावेशी विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन का विजन जरूर कामयाब होगा, क्योंकि यह रियलिस्टिक है और इसके पीछे यहां के मूल्यवान संसाधनों और लोगों की असीम प्रतिभा है। उनके विजन में इस रीजन के लिए और यहां के लोगों के लिए सम्मान और प्यार झलकता है। भारत में भी हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ एक नए भारत के निर्माण में जुटे हैं। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। तेजी से बढ़ते भारत और उसकी प्रतिभा की इस रीजन से भागीदारी एक और 11 बनाने का ऐतिहासिक मौका है। फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन से हमने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हमारे पार्टिसिपेशन के लिए अभूतपूर्व तैयारी की। कई मंत्री, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब 150 बिजनेस लीडर्स यहां आए। उन्होंने राष्ट्रपति के विशेष दूत, फार ईस्ट के सभी 11 गवर्नर्स और उनके बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। रूस के मंत्री और फार ईस्ट के बिजनेस लीडर्स भी भारत आए। मुझे ये बताते हुए खुशी रही है कि हमारी इन कोशिशों के बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं। एनर्जी से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन से लेकर के स्किल डेवलपमेंट, माइनिंग से लेकर के टिम्बर, अनेक क्षेत्रों में करीब 50 बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। इनसे कई बिलियन डॉलर्स के व्यापार के निवेश की अपेक्षा है। फ्रेंड्स, फार ईस्ट के विकास में और योगदान देने के लिए भारत $1 बिलियन की
लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। यह पहला मौका है कि हम किसी देश के क्षेत्र विशेष को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं। मेरी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने ईस्ट एशिया को एक्टिवली एंगेज किया है और आज की यह घोषणा एक्ट फॉर ईस्ट का टेक ऑफ पॉइंट साबित होगी और ये मेरा पक्का विश्वास है। यह कदम हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में भी एक नया आयाम जोड़ रहा है। मित्र राष्ट्रों के रीजन्स के विकास में हम उनकी प्राथमिकताओं के हिसाब से एक्टिव भागीदार बनेंगे। फ्रेंड्स, भारत की प्राचीन सभ्यता के मूल्यों ने हमें सिखाया है कि प्रकृति से उतना ही ले जितने की जरूरत है। हम प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन पर विश्वास करते हैं। प्रकृति के साथ यही तालमेल सदियों से हमारे अस्तित्व और विकास का अहम हिस्सा रहा है। फ्रेंड्स, जिन देशों में भारतीय डायस्पोरा है वहां के लीडर्स जब भी मुझे मिलते हैं, भारतीयों के श्रम, ईमानदारी, अनुशासन और निष्ठा की भरपूर प्रशंसा करते हैं। भारतीय कंपनियों ने, कारोबारियों ने दुनिया भर में कितने ही क्षेत्रों के विकास में योगदान किया है, वेल्थ क्रिएशन का काम किया है। साथ ही भारतीयों ने और हमारी कंपनियों ने स्थानीय संवेदनाओं और संस्कृति का हमेशा आदर किया है। मुझे पक्का भरोसा है कि भारतीयों का पैसा, पसीना, प्रतिभा और प्रोफेशनलिज्म फार ईस्ट में तेज विकास लाएंगे। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत ने पार्टिसिपेशन के जो उत्तम परिणाम आए हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं फार ईस्ट के सभी 11 गवर्नर्स को भारत आने का निमंत्रण देता हूं। फ्रेंड्स, मैंने और राष्ट्रपति पुतिन ने भारत रूस सहयोग के लिए एम्बिशियस टारगेट रखे हैं। हमारे संबंधों में हमने नए आयाम जोड़े हैं, उनको विविधता दी है। संबंधों को सरकारी दायरे से बाहर लाकर के प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच ठोस सहयोग तक पहुंचाया है। उनको राजधानियों से बाहर स्टेट्स और रीजन्स तक ले गए हैं। हमने हर क्षेत्र में सहयोग को अपनी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सांचे में बढ़ाया है, ढाला है। हम मिलकर स्पेस की दूरियां भी पार करेंगे और समंदर की गहराइयों से समृद्धि भी निकाल के ले आएंगे। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग का नया दौर हम शुरू करने वाले हैं। व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच जब शिप चलने लगेंगे, जब व्लादिवोस्तोक नॉर्थ ईस्ट एशिया के मार्केट में भारत का स्प्रिंगबोर्ड बनेगा, तब भारत रूस की साझेदारी और गहरी होगी और फलेगी और फूलेगी। तब फार ईस्ट एक और यूरेशियन यूनियन और दूसरी ओर ओपन, फ्री और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का संगम बनेगा। इस क्षेत्र में हमारे संबंधों का मजबूत आधार होगा रूल बेस्ड ऑर्डर, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए सम्मान और अंदरूनी मामलों में दखल से परहेज। फ्रेंड्स, मशहूर फिलोसोफर और लेखक टॉल्स्टॉय भारत के वेदों के अपार ज्ञान से
बहुत प्रभावित थे और यह वेद वाक्य तो उन्हें बहुत पसंद था। एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति, उन्होंने अपने शब्दों में इसे ऐसे कहा था, ऑल दैट एग्जिस्ट इज वन, पीपल कॉल दैट वन बाय डिफरेंट नेम्स। इस वर्ष पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मना रहा है। टॉल्स्टॉय और गांधी जी ने एक दूसरे पर अमिट प्रभाव छोड़ा था। आइए भारत और रूस की साझा प्रेरणा को हम और मजबूत करें, एक दूसरे की तरक्की में और अधिक भागीदार बने, अपने शेयर्ड रीजन और विश्व के स्टेबल और सिक्योर भविष्य के लिए मिलकर के काम करें। ये हमारी साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत होगी। मैं जब भी रूस आया हूं तो भारत के लिए यहां प्यार, मैत्रीभाव और सम्मान ही पाया है। आज भी इन्हीं भावनाओं का, अनमोल उपहार और गहरे सहयोग का संकल्प यहां से लेकर के जा रहा हूं। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। हम जब भी मिलते हैं तो बहुत खुले दिल से और बहुत समय लेकर के मिलते हैं। कल अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच उन्होंने मेरे साथ अलग अलग स्थानों पर कई घंटे बिताए और रात के 1 बजे तक हम एक साथ रहे। मेरे लिए ही नहीं बल्कि भारत के प्रति उनके मन में जो प्यार है वो उसमें झलकता है। मुझे यहाँ की और भारत की एक और सांस्कृतिक समानता दिखाई दे रही है। मेरे होम स्टेट गुजरात में बाय बाय की जगह बाय बाय नहीं कहते हैं, बाय बाय की जगह आवजो कहते हैं, जिसका मतलब है आप फिर जल्दी आइए। यहां कहते हैं दसवीं दानिया। तो मैं आप सबको कहता हूं आवजो दसवीं दानिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पासिबा बल्छोई। Владимирович, губернатора можно командировочное оформлять 11 дальневосточным как? Пусть идут в бухгалтерию. For the trips of the governors, they should go to the accounting office. Prime Minister, one quick question from the news. Unfortunately, there is a reason. Unfortunately, there is a reason why the turnover between Russia and India can grow even more. I heard that in the news, Indian people have fallen under the sanctions of the United States. टॉक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे आप, और संबोधन के बाद उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के गले मिलकर अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि कई सारी ऐसी बातें जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन में स्पष्ट किया कि हम समंदर की गहराई से समृद्धि निकाल कर लाएंगे, क्योंकि अब व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच शिप चलेंगे और हमारे संबंधों का मजबूत आधार होगा। पहले भी रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे और आगे भी इसी तरह से ये संबंध जारी रहे। जहां तक भारत और रूस के बीच में संबंधों का सवाल है, वो हर क्षेत्र में फला फूला है। भारत का ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है, रशिया की कंपनियों का भी, खास करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी के क्षेत्र में अभी अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो हम दोनों देशों के बीच में ऐसी कोई रुकावटें नहीं है।
जो आपका तीसरा सवाल है, जो बिल्कुल एक पत्रकार के हैसियत से आपने बढ़िया ढंग से पूछा है, मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर इस पर बड़ी डिबेट चल रही है कि जो जिस देश के लिए सैंक्शन लगते हैं उस पर इसका कितना प्रभाव होता है वो एक बात है, लेकिन उसके कारण दुनिया के अन्य देशों पर जो प्रभाव होता है, विश्व की ओवरऑल इकोनॉमी जो प्रभाव होता है, उस पर आज विश्व में गहरी चिंता भी है, चर्चा भी है। Ну, давайте вернемся к иранской теме, потому что мы мимо нее не пройдем чуть попозже. А сейчас все-таки у нас часть связанная с официальными выступлениями. И президент Монголии... Прем'єр-міністр यहां पर कुछ सवालों के जवाब देते हुए और साथ ही ये स्पष्ट करते हुए कि भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से ही प्रगाढ़ रहे हैं और आगे भी कई ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे ये रिश्ते और मजबूत होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद उनके साथ वक्त गुजारा, कई जगहों पर उन्हें ले गए और साथ समय बिताया। और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि जब भी हम मिलते हैं हम खुले दिल से मिलते हैं, किसी तरह की कोई द्वेष भावना दोनों रिश्तों के बीच में नहीं आती है। और रूस के साथ करीब 50 व्यापारिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं और फार ईस्ट के 11 गवर्नरों को भारत आने का न्योता भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस फोरम से दिया, इस मंच से दिया। उन्होंने कहा कि हम मिलकर अंतरिक्ष की दूरियां पार कर सकते हैं और तमाम देश जो आज यहाँ पर मौजूद हैं मैं उनका अभिवादन करता हूँ और इस फोरम से उनसे ये कहना चाहता हूं कि भारत आने के लिए उन्हें हमारी तरफ से न्योता है। व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा और वर्ल्ड फोरम में वो हिस्सा लेते हुए, इकोनॉमिक फोरम है जिसमें प्रधानमंत्री इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, और उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की सीमाओं का वो सम्मान करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।